नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका मेरा गांव मेरा देश में। और आज बात करेंगे उन्नाव की खबर। उन्नाव से जहां पर औद्योगिक क्षेत्र दही स्थित इंडार्गो स्लॉटर हाउस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बाल श्रम का मामला भी शांत भी नहीं हुआ कि एक बार फिर से इंडार्गो स्लॉटर हाउस पर घने बादल छाए हुए हैं। जी हां, बीते रविवार को एटीएस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक आतंकी रिजवान को गिरफ्तार किया था, जिसको इंडार्गो स्लॉटर हाउस पे पूर्व में सिक्योरिटी गार्ड में कार्यरत करना बताया जा रहा है, वो कार्यरत था। अब इसी पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है, जिसको लेकर इंडार्गो स्लॉटर हाउस का पाकिस्तान कनेक्शन कहने पर भी मजबूर हम हो रहे हैं, क्योंकि एटीएस की गिरफ्त में आने वाले रिजवान के एक साथी उमर उस्मान को भी एटीएस ने स्लॉटर हाउस से उठा लिया है। उमर उस्मान जो कि इंडार्गो स्लॉटर हाउस में बतौर सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्लॉटर हाउस से उठाया गया उमर उस्मान भी आतंकी गतिविधियों में संलिप्त है, जिसके चलते एटीएस ने उसे उठाया है। एटीएस पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ कर रही है। हालांकि एटीएस ने अभी आतंकी रिजवान के साथी उमर उस्मान का कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि एटीएस के खुलासे में उन्नाव के इंडार्गो स्लॉटर हाउस के पाकिस्तान कनेक्शन पर क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी आतंकवादी के साथ उन्नाव का नाम जुड़ा हो। इससे पहले भी कई बार आतंकी अपनी पहचान छिपाकर शरण ले चुके हैं। हालात ये हैं कि शहर और औद्योगिक क्षेत्रों में एसटीएफ और एएनआई पूर्व में कई ऐसे लोगों को दबोच भी चुकी है जिसका आतंकी संगठनों से ताल्लुक रहता है रहा है, बड़ी वारदातों को अंजाम देने के फिराक में भी रहे हैं। आपको बता दें कि 2008 में जौनपुर में विस्फोट की घटना को अंजाम देने वाले नूर आलम को भी दही थाना औद्योगिक क्षेत्र में एक बंद फैक्ट्री के पीछे विस्फोटक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसको उन्नाव स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वहीं 2018 में स्लॉटर हाउस में काम कर रहे रोहिंग्या मुसलमानों को एटीएस ने पकड़ा था, लेकिन उसके बाद भी इन लापरवाह स्लॉटर हाउस जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी फैक्ट्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी देने में एक बार भी हिचकिचाते नहीं है, जो कि अपनी पहचान छुपाते हैं। बहुत सारे सवाल हैं जिसके तलाशने की कोशिश हम करेंगे कि आखिर इसके जवाब क्या है और क्यों ऐसा होता है। मेरे सहयोगी विपिन मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं उन्नाव से, सीधे उनका रुख करेंगे। विपिन, देखिए सामूहिक दुष्कर्म नाबालिग से, इसको हमने प्रमुखता से दिखाया था। बाल श्रम वहां पर हो रहा है इन स्लॉटर हाउस में, उसको हमने प्रमुखता से दिखाया, लेकिन अब तो मामला कुछ अलग ही नजर आ रहा है। देश की सुरक्षा, प्रदेश की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। देखिए काजोल, आपको बता दें कि उन्नाव जनपद के इंडार्गो स्लॉटर हाउस में अभी हाल ही में एक नाबालिग किशोरी नाबालिग युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसके बाद स्लॉटर हाउस में खुलेआम बाल श्रम होने का दावा हुआ, खुलासा भी हुआ था। जिस तरह से बाल श्रम खुलासे के बाद जो कड़ी जुड़ रही है वो एक जो बड़े हैरान करने वाली कड़ी जुड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्नाव का इंडार्गो स्लॉटर हाउस और पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा भी सामने हो गया, क्योंकि ये खुलासा तब होता है जब एटीएस इसमें हस्तक्षेप करती है। एटीएस ने एक आतंकी रिजवान को गिरफ्तार कर खुलासा किया, उसमें प्रेस नोट भी जारी किया है कि जो आतंकी रिजवान है जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और उन्नाव के इंडस्ट्री एरिया दही चौकी स्थित इंडार्गो स्लॉटर हाउस, जो कि अल्लाना ग्रुप का सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस इंडार्गो है, उसमें ये सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम कर रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि किस तरह से जो इंडार्गो स्लॉटर है उस आतंकी को यहाँ पर पनाह दिए थे, और इसकी कहीं ना कहीं जो जांच होनी चाहिए, जो वेरिफिकेशन होनी चाहिए, जो इसकी डॉक्यूमेंट्री पूरी जांच होती, वो आखिर क्यों नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं जो स्लॉटर हाउस कर्मी है वो भी इस तरीके से आतंकवाद में पूरी तरीके से बिल्कुल। विपिन, यहाँ मैं पूछना चाहूंगी आपसे, क्या सिर्फ इंडार्गो स्लॉटर हाउस में ऐसी गतिविधि देखी गई है या आसपास जो और स्लॉटर हाउस है वहां पर भी कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आती है? एटीएस किस तरह से कार्रवाई कर रहा है, पुलिस प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है। ऐसा नहीं है कि उन्नाव में पहली बार किसी आतंकी का नाम जुड़ा हो, बहुत सारे ऐसे आतंकी रहे हैं जो उन्नाव आए हैं, यहाँ उन्हें पनाह मिली है ऐसे स्लॉटर हाउस में, उसके बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं। देखिए काजुल, आपको बता दें कि उन्नाव जनपद के औद्योगिक क्षेत्र में कई स्लॉटर हाउस हैं और सैकड़ों की तादाद में इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्रियां और टेनरियां हैं। इसमें तमाम तरह की जो कर्मचारी होते हैं वो काफी संख्या में बाल मजदूरी भी करते हैं। इसको लेकर हमने न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने बेवाकी से खबर दिखाई थी, जिसके बाद खबर का असर भी हुआ। हालांकि इंडार्गो स्लॉटर हाउस में जो
आश्रम के अधिकारी हैं वो टीम गठित कर जांच करने पहुंचे। हालांकि इसकी रिपोर्ट अभी नहीं दे पाए हैं क्योंकि कल इसकी टीम पहुंची थी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी भी जवाब नहीं दे पाए आखिर किस तरह की जाँच रही। सवाल ये उठता है कि जिस तरह से इंडार्गो स्लॉटर हाउस में एक बड़ा खुलासा होता है क्योंकि पाकिस्तान कनेक्शन होना एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि पाकिस्तानों को ये जो इंडार्गो स्लॉटर हाउस बना दे रहा था उसके बाद से ये तमाम तरह की संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त रहा है। इसको लेकर एटीएस ने इसको इस आतंकी रिजवान को अपने कार्य ऑफिस बुलाया था, उसके बाद वहां से गिरफ्तार करके इसको खुलासा किया है। स्लॉटर हाउस पर कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? देखिए पहले ये तस्वीरें निकलकर सामने आती है कि स्लॉटर हाउस में जो नाबालिग काम कर रही थी उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नाबालिग हैं जिनसे मजदूरी करवाई जा रही है, तो फिर इन पर कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? कहाँ कमी रह गई है? क्या प्रशासन अनदेखी कर रहा है, अधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं है? देखिए काजोल, बिल्कुल आपको बता दें कि उन्नाव जनपद के इंदौर श्रम विभाग एलसी उन्नाव है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। विपिन, श्रम विभाग एलसी उन्नाव से क्या मेरी बात हो रही है? मैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया से बात कर रही हूँ। कहाँ से? न्यूज वर्ल्ड इंडिया से, न्यूज चैनल से। हाँ, बताएं। सर, ये जो खुलासे हो रहे हैं एटीएस ने जो गिरफ्तारियां की है इसको लेकर क्या आपको जानकारी है? जानकारी है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो लड़की का मैटर आया था 18 साल से कम है, जो आतंकी कनेक्शन बताया जा रहा है वो कोई मामला नहीं है। बाहर का मैटर है। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर हाँ, आपकी आ रही है। हाँ, मैं कह रही हूँ कि ये जो कनेक्शन निकालकर सामने आ रहा है, एटीएस छापेमारी कर रही है, एटीएस ने गिरफ्तारी की है दो लोगों की। रिजवान बताया जा रहा है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसका एक साथी भी है उस्मान। एटीएस से हमसे संपर्क उसका हमारा नहीं है, लेने ना श्रमिक वाला काम। लेकिन ये भी आरोप लगते रहे हैं कि नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, बाल श्रम यहाँ पर हो रहा है, उसकी तो जिम्मेदारी आपकी होगी। जांच करा ली है, वो जो लड़की के पास हो रही थी, एक तो प्रमिसेस का नहीं है, वो 18 साल से कोई नीचे वहाँ काम नहीं करता। वो मैटर जो लड़की वाला आया था वो 20 साल की लड़की, उसका वो आ गया है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी आ गया। तो ऐसे स्लॉटर हाउस पर, ऐसे स्लॉटर हाउस पर श्रम विभाग क्या एक्शन लेगा, क्योंकि ये तो सालों से चले आ रहे हैं सर। ये तो सालों से ऐसे स्लॉटर हाउस चले आ रहे हैं, कड़ा एक्शन कब होगा? देखिए मैं, मेरी और आपकी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाए। सर क्या एक्शन होगा आगे, क्या कड़ा एक्शन लेंगे आप ऐसे स्लॉटर हाउस पर? नहीं, एक्शन लिया जाएगा, शासन को भेजा जाएगा, इसके आगे जो भी कार्रवाई हो की जाएगी। फोन काट दिया, सीधे जवाब किसी के पास नहीं है। विपिन, कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई पहले भी हुई थी, कार्रवाई अब भी हो रही है, लेकिन सच्चाई क्या है वो अब तक खुलकर सामने नहीं आ पा रही है। जब आपको पता है कि यहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चों से जो कि नाबालिग हैं उनसे काम करवाया जा रहा है, बाल श्रम हो रहा है, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? ऐसे स्लॉटर हाउस को क्यों खोदा हुआ है, क्यों इन पर एक्शन, क्यों, क्या ऐसे रसूखदारों पर श्रम विभाग की भी हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं, या कोई और वजह है? देखिए काजोल, साफ तौर से आपको बता देते हैं कि जो इंडार्गो स्लॉटर हाउस है, ये अलाना ग्रुप का सबसे बड़ा इंडार्गो स्लॉटर हाउस है, और इंडार्गो स्लॉटर हाउस में जिस तरह से एक नाबालिग काम करने वाली नाबालिग लड़की से दुष्कर्म होता है, उसके बाद बाल श्रम का खुलासा होता है, और तमाम तरह की जो अधिकारी हैं वो जांच का हवाला देते हैं, लेकिन इसी बीच जो एटीएस ने खुलासा किया है वो चौंकाने वाला खुलासा, क्योंकि आतंकवादी को स्लॉटर हाउस के जो मालिकान हैं, जो कर्मचारी हैं, जो लाइजनर हैं, वो उसको वहां पर पनाह देते हैं, उसके बाद उसको बाकायदा सुरक्षा गार्ड की नौकरी भी देते हैं। दोनों ही मामले, चाहे वो बाल श्रम का मामला हो, चाहे वो किसी आतंकी के यहाँ आने का और एक कर्मी के तौर पर काम करने का मामला हो, दोनों ही मामले उन्नाव की जनता के लिए बेहद ही खतरनाक है, प्रदेश के लिए खतरनाक है, प्रदेश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है।
देखिए साफ तौर से जिस तरह से इंडार्गो स्लाटर हाउस में आतंकी रिजवान को पनाह दी गई थी और सारे कर्मचारी उसकी संलिप्तता पाई जाती है पाए जाने की सूचना मिल रही। हालांकि इसकी अगर जांच खुफिया तंत्र से होती है तो जाहिर सी बात है जो वहां के लाइजनर है जो जीएम है जो वहां के एचआर हैं उनको भी उन पर भी कड़े कार्रवाई होती नजर आएगी। क्योंकि जिस तरह से एटीएस ने खुलासा किया है एटीएस का एक दावा और हुआ है कि जिस तरह से आतंकी रिजवान वहां पर बाकायदा काम कर रहा था पूर्व में उसका जो साथी एक अमर उस्मान है उसको भी आतंकी हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिल रही उसको भी एटीएस ने गिरफ्तार किया। हालांकि उमर उस्मान की जो है खुलासा भी नहीं हो पाया उसको अभी एटीएस जो है पूछताछ कर रही। लेकिन सवाल ये उठता है जिस तरह से यहाँ पर इंडार्गो स्लाटर हाउस में आतंकवादियों को पनाह दी जाती है उसको लेकर जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से मूर्त दर्शक बना हुआ है क्योंकि इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन सवाल यही है विपिन कि प्रशासन यहाँ पर वो कड़ा रुख नहीं अपना रहा है जो रुख अपनाना चाहिए। क्या आपके किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात हो पाई है इस पूरे मामले पर, चाहे वो बाल श्रम की हम बात कर लें, चाहे वो आतंकी गतिविधियों की हम बात करें, जो आतंकी चाहे रिजवान की हम बात करें, या फिर जो सूत्रों से मिली जानकारी है कि उस्मान उसका साथी है वो भी अभी सिक्योरिटी गार्ड के पद पर यहाँ पर काम कर रहा है जिसको एटीएस ने गिरफ्तार किया, हालांकि खुलासा अभी ऑफिशियल तौर पर नहीं हुआ है। देखिए एटीएस ने जिस तरह से आतंकी रिजवान का खुलासा कर दिया, प्रेस नोट जारी कर दिया, उसके बाद से ये अंदाजा साफ हो गया है कि जो जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि उमर उस्मान अच्छा गार्ड यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी उनको भी हम फोन मिला रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक साहब फोन नहीं उठाया गया है, विपिन फोन नहीं उठाया गया है, हो सकता है किसी जरूरी काम में मंत्री जी बिजी हो। लेकिन सवाल यह है कि उन्नाव में आकर ऐसे आतंकियों को पनाह मिल रही है, वो रह रहे हैं यहां पर, इनका कनेक्शन कहीं से भी हो सकता है, ये कोई भी जरूरी जानकारी दुश्मन को पहुंचा सकते हैं, इन पर एक्शन क्यों नहीं, ऐसे स्लॉटर हाउस को ताला क्यों नहीं जड़ा जा रहा है, क्या प्रशासन की मिली भगत है इन लोगों से, या फिर अगर कोई भी नौकरी के लिए आता है चाहे वो कहीं से भी आए, चाहे वो दूसरे प्रदेश से आए या फिर विदेश से आए, क्या उनके आधार कार्ड उनके प्रमाण पत्र सत्यापन क्या यहाँ पर चेक नहीं किए जाते हैं, क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, कानून व्यवस्था की बात यहाँ पर हो रही है, उन्नाव में क्या कानून व्यवस्था नहीं है या उन्नाव में कानून व्यवस्था की जरूरत नहीं है। देखिए साफ तौर से जिस तरह से इंडार्गो स्लॉटर हाउस लाइजनर नीरज त्रिवेदी उनको भी हम फोन कर रहे हैं इंडार्गो के, नीरज त्रिवेदी लाइजनर है इंडार्गो के, उनको भी हम फोन मिला रहे हैं, पहले भी हमने फोन मिलाया था, पहले भी फोन नहीं उठाया गया था, इससे पहले भी इस खबर को विपिन आपने काफी प्रमुखता से दिखाया था। नीरज त्रिवेदी जिम्मेदार जो स्लॉटर हाउस में कार्यरत है फोन नहीं उठाया गया, जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं, उनके यहां पर क्या हो रहा है, कौन लोग आ रहे हैं, कौन काम कर रहा है, इस बात की जानकारी किसी को है ही नहीं, धड़ल्ले से बस लोग भरे जा रहे हैं, बस काम भेड़ बकरियों की तरह करवाइए। देखिए काजोल हमने स्लाटर हाउस के कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की, वहाँ के एचआर से बात करने की कोशिश की, लेकिन जो एचआर हैं उनके गुर्गे जो हैं वो अब पूरी तरीके सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली जा रहे हैं। दोबारा से हम फोन कर रहे हैं विपिन, दोबारा से नीरज त्रिवेदी लाइजनर इंडार्गो के, उम्मीद है कि फोन उठाएंगे फिर उनसे हम सवाल करेंगे। ये देखिए देश की सुरक्षा, प्रदेश की सुरक्षा, जिले की सुरक्षा के लिए जिनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए तैयार रहता है, अपनी जिम्मेदारी निभाता है, यहाँ इतने बड़े बड़े स्लॉटर हाउस खोलकर ये लोग बैठे हुए हैं, क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि प्रदेश की या उन्नाव की जनता की सुरक्षा इनके हाथों में होनी चाहिए, अगर कोई गतिविधि ऐसी हुई है और कोई ऐसे खुलासे हो रहे हैं तो उस पर आपकी जवाबदेही बनती है, आपको जवाब देना होगा,
आपको प्रमाण दिखाना होगा, आपको सत्यापन दिखाना होगा कि हाँ आपकी जो कंपनी है उसमें सत्यापन कराकर किसी को भी काम पर रखा जाता है। जिसान खान इंदारगो के एचआर है, आपके द्वारा डायल किया उनको भी हम फोन मिला रहे हैं, फोन काट दिया। ये देखिए, ये जिम्मेदार है जिनकी कंपनी में आतंकी गतिविधियों से जुड़े कुछ लोग कार्यरत है, चाहे वो आतंकी रिजवान की हम बात कर ले या फिर उमर उस्मान की हम बात कर ले, उसके बावजूद आप जवाब दे ही नहीं दे रहे हैं। आपकी जवाब दे ही तो बनती है। डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। दोबारा से बार बार हम फोन कर रहे हैं, बार बार फोन काटे जा रहे हैं, क्योंकि पता है कि खुलासे हो चुके हैं, तो जवाबदेही तो होगी उनकी, सवाल पूछे जाएंगे। बिल्कुल काजोल, आपको साफ तौर से बता दें कि जिस तरह से अल्लाना ग्रुप का इंडार्गो स्लॉटर हाउस जो है, इसमें आतंकवाद को पनाह दिया जाता है, इसका खुलासा भी एटीएस ने कर दिया। हालांकि औपचारिक तौर पे जो दूसरा आतंकवादी गिरफ्तार किया गया था उमर उस्मान, उसका खुलासा बाकी है, क्योंकि एटीएस जो है उससे पूछताछ कर रही है, जल्द उसका खुलासा भी कर सकती है। लेकिन जिस तरह से हमें सूत्रों से जानकारी मिली कि वहां पे जिस तरह से उमर उस्मान जो है वहां स्लॉटर में सुरक्षा गार्ड की नौकरी काम कर रहा था, उसको भी गिरफ्तार करने के बाद से उसे खुलासे की बात की जा रही है, एटीएस द्वारा पूछताछ किया जा रहा है, लेकिन कर्मचारी जो है इंडार्गो के कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, जिला प्रशासन कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सुधा शंकर मीना एसपी है उन्नाव से, विपिन उनको भी हम फोन मिला रहे हैं। सिद्धार्थ शंकर मीना एसपी है उन्नाव से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एटीएस की जो कार्रवाई हुई है उस पर प्रशासन किस तरह से एक्शन ले रहा है और इन स्लॉटर हाउस पर क्या एक्शन लिया गया है। प्रशासनिक अमला है, क्या मेरी बात सिद्धार्थ शंकर मीना जी से हो रही है, एसपी साहब से? मैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया से बात कर रही हूँ। हेलो, क्या मेरी बात सिद्धार्थ शंकर मीना जी से हो रही है, एसपी है उन्नाव से? मैं पीआर बोल रहा हूँ सर का। क्या मेरी बात सर से हो सकती है? हाँ नहीं मैम, सर जरा से गूगल मीट चल रही है, गूगल मीट कर रहे हैं। कब तक फ्री हो पाएंगे सर? आई थिंक वही करीब एक घंटे में। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। विपिन एसपी साहब अभी बिजी है, उनके पीआरओ की तरफ से फोन उठाया गया था, क्या एक घंटे बाद उनसे बात हो पाएगी ऐसा कह रहा है उनका? हाँ सिद्धार्थ शंकर मीना जी के पीआरओ से मेरी बात हो रही है जी, अभी जरा सर गूगल मीट कर रहे हैं। कौन सा बोल रहे? मैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया से बात कर रही हूँ सर जी। न्यूज वर्ल्ड इंडिया जी। एक समस्या है और ये देश की सुरक्षा, प्रदेश की सुरक्षा, उन्नाव की सुरक्षा से लिहाज से बहुत ही बड़ी है, इसी सिलसिले में उनसे बात करनी थी। ठीक मैम, जैसे ही मीटिंग से फ्री होते मैं बात करा रहा हूँ। क्या मेरी समस्या आप उन्हें बता देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही मीटिंग से फ्री होते मैं तुरंत बता रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। विपिन अभी बात एसपी साहब से तो नहीं हो पाई है, लेकिन पीआरओ ने फोन उठाया था और मैंने अपनी समस्या बताई है। उनका कहना है कि जैसे ही फ्री होते हैं वो जरूर आपको फोन करेंगे, उम्मीद है कि उनका फोन आए, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी है और हमने देखा है कि कई बार बहुत सारे ऐसे अधिकारी भी हैं जो त्वरित एक्शन लेते हैं। अब देखना होगा कि सिद्धार्थ साहब इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेते हैं, क्या वो फोन करते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी बनती है उनकी, आसपास क्या हो रहा है, कौन से स्लॉटर हाउस कैसे चल रहे हैं, कहाँ गलत चीजें हो रही हैं, कहाँ पर आपत्तिजनक चीजें हो रही हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर दुष्कर्म हुआ उसका भी खुलासा हुआ, हालांकि इस पूरे मामले को साइडलाइन करने की कोशिश की गई, दबाने की कोशिश की गई। बालश्रम के मामले में भी बालश्रम विभाग सिर्फ ये कह रहा है कि कार्रवाई हो रही है, पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब तो मामला कुछ और ही निकल कर आ रहा है। विपिन इस पर तो जरूर एक्शन होना चाहिए। क्या क्या एटीएस की तरफ से जो खुलासे हुए हैं, कर्मचारी है विपिन से भी संपर्क करने की कोशिश, विपिन एटीएस की तरफ से जो खुलासे हुए हैं उसमें क्या क्या चीजें निकलकर सामने आई है? बिल्कुल काजोल, आपको बता दें कि एटीएस ने जो खुलासा किया है आतंकी रिजवान को लेकर खुलासा किया है, जो कि आतंकी रिजवान जो है जम्मू कश्मीर के पूंछ का रहने वाला है और उसको अपने लखनऊ ऑफिस बुलाया था, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई थी, क्योंकि उसका जो कनेक्शन है वो आतंकी संगठनों में संलिप्त था, और उसको लेकर वो जो आतंकी रिजवान था वो उन्नाव के एक डार्गो स्लॉटर हाउस में बाकायदा सुरक्षा गार्ड की नौकरी पर काम कर रहा था। तो सीधे तौर पर जिस तरह से वो सुरक्षा गार्ड की नौकरी पर काम कर रहा था, और एक खुलासा जो और होता है जो सूत्र हमारे बताते हैं
कि वहां तो उसी का साथी जो था उमर उस्मान, उसको भी एटीएस ने गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ की जा रही, जल्द उसका खुलासा हो भी सकता है, क्योंकि जिस तरह से जो संदिग्ध मामले। जी आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ सवाल है वो भी जरूरी है, प्रशासन से सवाल है। जब आपने संस्थान में किसी दूसरे प्रदेश या विदेश से नौकरी पर रखते हैं तो क्या उसका पुलिस सत्यापन नहीं होता, ये सवाल पहला है। दूसरा सवाल ये कि अपने प्रदेश के या जनपद के बेरोजगारों को नौकरी पर क्यों नहीं रखते, ये सवाल दूसरा है। तीसरा सवाल ये है कि स्लॉटर हाउस प्रबंध आखिर नेपाल और कश्मीरियों को क्यों नौकरी पर रखते हैं, ये सवाल विपिन आपने भी पूछे हैं और हम भी पूछ रहे हैं आपके माध्यम से कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या जरूरत पड़ रही है, क्या कम सैलरी में या फिर कम पैसे देकर इन लोगों को रखा जाता है, दूसरे प्रदेश से बुलाकर उनसे मजदूरी करवाई जाती है, मेहनत करवाई जाती है, क्या ये मुनाफा कमाने के लिए है सिर्फ? देखिए काजोल, साफ तौर से जो इंडार्गो स्लॉटर हाउस में जो लोग काम कर रहे हैं वो अधिकतर कश्मीर के और अन्य जनपदों के हैं, क्योंकि जिस तरह से आतंकी को पनाह दिया जाता है, आतंकी संगठनों से वो संलिप्त पाया गया है, उसका खुलासा हुआ है, एटीएस ने खुलासा किया, इसको लेकर एक देश की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि देश की सुरक्षा और उन्नाव की सुरक्षा भी बेहद लाजमी है, क्योंकि ये सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है, क्योंकि जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होती है स्लॉटरों में कौन से लोग काम कर रहे हैं, कौन आतंकी है, कौन कश्मीरी है, इनकी बाकायदा पुख्ता जांच करनी चाहिए और इसको लेकर वेरिफिकेशन होते हैं वो कराने चाहिए। लेकिन इंडार्गो स्लॉटर हाउस जो है काफी टाइम से आतंकियों में संलिप्त पाए जाने की कोशिश रही है, क्योंकि इसमें खुलासे भी होने चाहिए, क्योंकि अब जिस तरह से खुलासा हुआ अब सीधे तौर पे जो बिल्कुल उन्नाव का कहीं ना कहीं ये कहें कि ये उदासीनता है उन्नाव की, कि यहाँ पर जौनपुर की अगर हम बात करें तो नूर आलम एक आतंकी यहाँ गिरफ्तार किया गया था जो कि विस्फोटक पदार्थ के साथ था, 2008 की बात है। उसके बाद 2018 में कई रोहिंग्या मुस्लिम्स यहाँ पहुंचे थे, उन पर भी एक्शन लिया गया था। उन्नाव में ऐसा क्यों हो रहा है, प्रशासन अलर्ट नहीं है या कोई और वजह है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल विपिन खड़ा हो जाता है। अगर उन्नाव प्रशासन की हम बात करें, आधिकारिक अमले की हम बात करें, क्या वो मुस्तैद है कानून व्यवस्था को लेकर, ऐसे स्लॉटर हाउस पर एक्शन ले रहा है या कोई भी गड़बड़ी कहीं किसी भी तरह की सूचना मिलती है उस पर एक्शन लिया जाता है? देखिए काजोल, आपको बता दें न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम जो है ग्राउंड जीरो पर लगातार बनी है और सभी अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, चाहे जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन। हालांकि एटीएस के आतंकी इंडार्गो का आतंकी पाकिस्तान कनेक्शन खुलासा होने के बाद से लगातार हम विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मुंह खोलने को तैयार नहीं। हालांकि बंद जुबान से जांच का हवाला जरूर दिया जा रहा है, क्योंकि एटीएस के मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा। हालांकि एटीएस के खुलासे के बाद जो है उन्नाव के एलआईओ और खुफिया एजेंसी में अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जो सूत्र बताते हैं जो उन्नाव का एलआईओ है वो इंडार्गो स्लॉटर हाउस पहुंचा था जांच करने। हालांकि वहां पे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जांच ना होने का हवाला दे रहे हैं। हालांकि जो वहां के एचआर इंडार्गो के एचआर जिशान खान, उन्होंने बताया था कि यहां पर हमारे यहां जांच की गई है और जांच में जो भी दस्तावेज है वो हमने उनको सौंपे हैं, लेकिन जो एलआईओ है पुलिस प्रशासन है कुछ भी जवाब देने को तैयार नहीं है। जी विपिन, जब आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और स्लॉटर हाउस के पास पहुंचे इंडार्गो के पास, तो क्या किसी तरह की कोई हलचल दिखी? देखिए एटीएस के खुलासे के बाद जो है इंडार्गो स्लॉटर हाउस में सन्नाटा पसरा हुआ है और उसके बाद से भी जो श्रम विभाग के अधिकारी हैं उनकी टीम लगातार छापेमारी कर जांच कर रही, जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि जो इंडार्गो स्लॉटर हाउस में बिल्कुल, और विपिन हमें इंतजार करना होगा एटीएस के खुलासे का, ये बहुत जरूरी है। चलिए विपिन, आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा, बहुत बड़ा मामला है, आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। उन्नाव का एक पूरा मामला है जहां पर इंडार्गो स्लॉटर हाउस की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, जहां पर पहले आरोप लगा कि स्लॉटर हाउस के अंदर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके बाद जो बाल श्रमिक है यहां पर उनसे श्रम करवाया जा रहा है, तीसरा कि आतंकियों को यहां पर पनाह दी जा रही है। एटीएस ने इस पूरे मामले पर एक्शन लिया है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है, अब एटीएस कब खुलासा करती है इसका इंतजार है। फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।